हेलो गाइस, मैंने की है काफ़ी सारी शॉपिंग्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाली अपनी शॉपिंग्स हाउल, जो कि मैंने छोटी मोटी शॉपिंग्स की हैं वो मैं आपको दिखाने वाली इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें के क्लोथ्स निकाल लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें की शॉपिंग्स की है। इस तरीके से मैंने सारे क्लोथ्स निकाल दिए हैं कि आँखों के सामने। अब फर्स्ट आ जाता है एक जीन्स, जो कि काफ़ी प्रिटी है, और ये मेरे डैडी का है तो मेरा नहीं है। इसका रेंज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ओनली 400 रुपीज़ का है। काफ़ी अच्छा है ऑफिस के लिए, ऑफिस अगर आपके भी डैडी जाते हैं, मेरे डैडी रोज़ जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ख़रीदा है। लेजोन कंपनी का है और काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छी फैब्रिक है जो कि काफ़ी एकदम सॉफ्ट है। तो ये सब अगर आप कपड़े खरीदते हो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये धोने के बाद हल्के सिकुड़ जाते हैं, बल्कि अगर 34 आप पहनते हो तो हल्का ये कम हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो आप भी खरीद सकते हो इसे, जीन्स इसे, मतलब कि आप शर्ट्स में इन करके पहन सकते हो, शर्ट को इन कर लीजिए और बेल्ट लगा कर इसे पहनिए, काफ़ी अच्छा लगता है। लोग ज़्यादा भी रेंज नहीं है, लोग अफोर्डेबल ही चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। 400 रुपये का है, हम लोग बड़ी ही साइज़ ली है जानबूझ के, कहा था ना आपको। दूसरा फिर एक और आ जाता है, इसका भी रेंज 400 है और उतना ही है, मतलब कि इसका साइज़ भी। ये भी कौन सी कंपनी की है, लेजोन कंपनी की है, सेम कलर्स अलग हो जा रहे हैं बस। और ये ब्राउन है, चॉकलेटी कलर है बिल्कुल, अगर वीडियो में अलग दिख रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चॉकलेटी कलर है। साथ ही साथ ये आपको क्रीम कलर में मिल जाता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस पर अगर आप ऐसे पहनते हो तो इस पर आपके मतलब वाइट शर्ट्स अच्छे लगेंगे, या तो पिंक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे पहन लो ब्लैक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं इस वाले पर। ब्लैक कलर का आप ज़रूर खरीदिए, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, एक और है तो आइए इसके देखते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक है, इस पर वाइट शर्ट्स अच्छे लगे हैं, ये तो क्रीम कलर की। ये भी 400 का है और इसका 30 साइज़ है। ये दोनों डैडी के लिए थे और ये भैया के लिए है, तो भैया के लिए तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन पर भी मम्मी ने कहा कि इसे धोने के बाद ये सिकुड़ जाता है ये फैब्रिक, तो इसीलिए। ये भी वही कंपनी है, हम लोगों ने नहीं देखा कंपनी, हम लोग तो नहीं देखते, जैसे भी वो ले लेते हैं। अच्छा खासा रेंज है, 400 रुपये, कोई ज़्यादा भी नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना रुपये। और वैसे भी हम लोग ख़रीदते हैं तो 800-900 वैसे तो ख़रीदते हैं, लेकिन इस बार सस्ते में था, सारे कपड़े सस्ते थे। अब क्या पता क्यों सस्ते इतने कर रखे थे मॉल वालों ने, एकदम लूट लग गई थी कपड़ों की, सब लेने आ रहे थे। अब ये है 500 रुपीज़ का, ब्लैक कलर का है, मैंने कहा था ना उस पर अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर के खरीदवाए हैं हमने और काफ़ी अच्छे हैं। 500 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा, 5000 मैं समझिएगा, 500 रुपीज़ का है। ज़्यादा महंगा भी हम नहीं लेते हैं, ऐसे तो महंगा लेना पड़ता है जब कुछ नहीं मिलता, शादी वादी में जब शादी का सीज़न होता है तब मॉल में काफ़ी महंगे चीज़ें मिलती हैं, और ऐसे तो सस्ते मिलेंगी। जब मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे दोस्तों से सुनने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर इतने सस्ते चीज़ें मिल रही हैं, तब मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं जाएगी, बेकार में क्या जाएँ। जब हम लोग जाते हैं तो अभी थोक से सामान ले लेते हैं कि ये इतने महीने चल जाएंगे, ये इतने महीने चल जाएंगे। क्या अभी लोग के घर ऐसा ही होता है, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती हूँ। और ये कुछ नाइटीज़ है जो मेरी मम्मी ने ख़रीदी है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका लड़की है, ये मतलब बैगनी कलर की, इस पर छोटे छोटे बूंदे हैं जो इसको थोड़ा अलग लुक देती है, तो इसे कोई पहन कर बाहर थोड़ी ना जाने वाले, इसे घर पे यूज़ करने के लिए लाया गया है। तो आपको भी ऐसे प्रिंटेड वाले अच्छे लगते हैं तो आप भी इसे खरीद सकते हैं, चाहे तो इसके मतलब कि प्लाजो भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की एडवाइस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल न्यू है, जब पुरानी हो जाएगी तो भले बना सकती हूँ, और अभी तो ये बिल्कुल न्यू है। तो चलिए इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। तीन तीन है, मैंने तो दो ही समझा था, मेरी मम्मी ने दो लिया था, लेकिन ये तीन तीन थी। देखिए
ये वाला सबसे प्यारा है, क्योंकि जैसे मेहंदी में हम लोग नई डिज़ाइंस बनाते हैं उस तरीके से है, और मेरे हैंड्स फेस पे काफ़ी गोरा दिख रहा है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी प्यारा है। अब नाइटी तो जानते हैं वो कैसी होती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। आपकी मम्मी अगर वाइट होंगी तो उन पर रेड कलर काफ़ी पसंद आएगा, तो आप भी इस तरीके की नाइटीज़ खरीद सकते हैं। और ये भी प्रिंटेड ही है, लेकिन बहुत प्यारा है, बिल्कुल सॉफ्ट क्लोथ है, बहुत अच्छा है। और आप भी इस तरह क्लोथ पसंद करोगे तो मन कर रहा है इस पर सो जाए, लेकिन नहीं सो सकते, बिल्कुल न्यू है। और एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, और कौन कौन भुगता है ये भी ज़रूर बताइएगा, साथ ही मैं और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। और ये ब्लाउज़ का पीस है, इसका रेंज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका भी रेंज कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छा खासा रेंज है। तो इसका ये शायद वहीं पे रेंज दे दिया जाता है, इसका रेंज कोई नहीं है मॉल में, उसे वहीं पे रेंज दे दिया जाता है। इसका रेंज 100 रुपीज़ है। एक साया है जो कि काफ़ी प्यारा है और इस तरीके का है, जो कि काफ़ी सुंदर है, क्रीम कलर की, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बहुत सुंदर क्रीम कलर का एक मतलब कि साड़ी है, जो कि काफ़ी महंगा है, तो उसके साया ख़राब हो गए हैं, तो मेरी मम्मी ने ख़रीदा है, वो भी मॉल से, काफ़ी अच्छा मिला है हमें। और ये इसका भी रेंज उतना ही है, 100 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये रेड कलर का है और काफ़ी सुंदर है, और इसे भी आप ले सकते हैं कहीं से भी। और यहाँ पे भी 210 रुपीज़ का है। ये एक धोती है, क्योंकि हमारे घर एक पूजा हो रही है, इस कारण हमें ख़रीदना है। पंडित जी को दिया जाता है और सभी के घर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे घर, सभी जो जो इस सब पे विश्वास करते हैं वो लोग देते हैं, तो हम भी लोग देते हैं, तो वही खरीदाया गया है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बेल्ट्स हैं, जिसका रेंज आपको पड़ जाता है भैया का 150 रुपीज़, 150 का ये बेल्ट है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। नहीं आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। चलिए साइड में करते थे, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, आइए देखते हैं। टी शर्ट 300, अच्छा लग रहा है। नहीं अचार भी बता देना, आहना दी आई है उन्होंने, शायद वीडियो को हल्का बिगाड़ दिया है, अच्छा कि आप ज़रूर बताइएगा। तो ये 300 रुपीज़ का है, रेडी के ऐसे ही रोज़ाना पहनने के लिए। और ये है रॉयल बाल्स, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो टॉयलेट्स में, या तो आप कोई खुशबूदार चीज़ों के लिए, या तो अपने कपड़े में रख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे गंदे महक आते हैं, तो उसे अच्छा महक देने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए। यस, और कीड़ों को मारने के लिए। और ये हम लोग का फेवरेट है, बाय वन गेट वन फ्री है, 55 रुपीज़ का है। और अचार है, मिक्सचर अचार, जो कि बहुत सुंदर है, मम्स कंपनी का है, मिक्सर पाई सब कुछ मिलाया हुआ है, काफ़ी कच्चा आम, साथ ही साथ गाजर और भी चीज़ें, तो अच्छा लगता है मुझे खाने में। और भी मिक्स पिकल मिलाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा है अचार, ये पिकल है, काफ़ी अच्छा अचार है, और हमें काफ़ी टेस्टी भी लगेगा। अगर बच्चे आपके कुछ नए खाना पसंद करते हैं तो ये खिला सकते हैं, ज़्यादा भी मत खिलाइएगा, नहीं तो बच्चा नाटू रह जाएगा। क्योंकि हम लोग के क्लास में एक लड़की है, वो काफ़ी अचार लाती है, दूसरी नाटी लड़की उसे कहती रहती है, लेकिन हम लोग मजाक नहीं उड़ाते उसका, लेकिन वो मेरा उड़ाती है, तो इसलिए लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, दूसरों को भी खुशियाँ बांटे, ना कि उसकी कमियों पर मजाक उड़ाए मेरी तरह, लेकिन मेरे भी मजाक बनते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक्स, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए यार, ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।